हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इज देयर एनी स्पेसिफिक एज वेयर हेड नेक कैंसर ऑकर्स? क्या एक ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसमें सिर्फ हेड नेक कैंसर होता है? द आंसर इज नो। इफ़ यू आस्क मी, आप जब मुझे पूछोगे तो मैंने 10 साल का बच्चा भी देखा है जो सबसे कम उम्र में हेड नेक कैंसर लेके आया है, और एक 100 साल का बुजुर्ग आदमी भी देखा है जिसने हेड एंड नेक कैंसर लेके आया। तो कैंसर होने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि यही एज ग्रुप में हेड नेक कैंसर होता है। कुछ ओरल मैलिग्नेंसीज जो होती है ऑलमोस्ट 30%, जिसमें एडिक्शन ना होते हुए भी पेशेंट को होता है, कुछ कारण है जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सेकेंडली, जो आपके दांत है, इल फिटिंग डेंचर्स, यानी दांत सही नहीं है, या तो वो आपके चिक्स को अंदर से बक्कल म्यूकोजा को घसते हैं और जख्म बना देते हैं, या आपके जीभ पे जख्म बना देते हैं, या आपका जो ओरल हाइजीन है वो सही नहीं है, तो उसके कारण जो चीज़ है, क्रोनिक इरिटेटिंग चीज़ दांतों के बीच में जमा होते जाता है और वो उसे इरिटेट कर करके वो जगह पे जख्म बना देता है और फिर सडनली कैंसर में चेंज हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये कोई भी एज में हो सकता है। बच्चों में भी हो सकता है, मिडल एज में भी हो सकता है, बुजुर्गों में भी हो सकता है। सिमिलरली, हमने देखा था पहले क्या हेड नेक कैंसर का जो इंसिडेंस है वो सिर्फ पुरुषों में ज़्यादा था, लेकिन अभी इंसिडेंस स्त्रियों में, फीमेल्स में भी सिग्निफिकेंटली हाई है। कुछ फीमेल्स को टोबैको या वो मिश्री का इस्तेमाल करती है, उसके कारण होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसे हैं जिनको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण भी होता है, एंड विच इज़ वेरी मच वैक्सीन प्रिवेंटेबल। आप जब 3 डोज आप वैक्सीन लेते हो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, तो यू आर 95% सेफ फ्रॉम नॉट हैविंग दिस कैंसर विच इज़ HPV रिलेटेड। अभी जो अर्ली स्टेज में होता है, यानी यंग लोगों में होता है, वो कैंसर बहुत बार एग्रेसिव होता है, तो उसे ट्रीट भी एग्रेसिवली किया जाता है, क्योंकि वो पेशेंट का जो टोटल लाइफ ड्यूरेशन है, अभी किसी को 10 साल में हुआ है तो उसके सामने 50-60 साल का रनवे है लाइफ का, तो यू हैव टू ट्रीट द डिसीज़ वेरी एग्रेसिवली, बिकॉज सिंस दिस इंडिविजुअल हैव डेवलप्ड द कैंसर एट अ वेरी अर्ली स्टेज। थायरॉयड कैंसर हमने देखा है कुछ फीमेल्स में, जो स्टार्टिंग में एक थायरॉयड स्वेलिंग के हिसाब से उन लोग थायरॉयड का टैबलेट लेते हैं, फिर बाद में वो चेक ही नहीं कराते क्योंकि किसी ने बोल दिया उनको ये नॉर्मल थायरॉयड की गांठ है, और हमने देखा ही नहीं। हमने पिछले सप्ताह ऐसे 3 पेशेंट का ऑपरेशन किया जिनका एज कम है, लेकिन थायरॉयड में कैंसर था, किसी के हाथ में फैल गया था तो हाथ का फ्रैक्चर हो गया था, तो फ्रैक्चर भी ठीक करना पड़ा, थायरॉयड भी निकालना पड़ा, और वो पेशेंट लास्ट स्टेज ऑफ थायरॉयड कैंसर में था। सिमिलरली, थायरॉयड में गांठ था और उसके पीठ की हड्डी में फैल गया था, और तीसरा पेशेंट था जिसके थायरॉयड में गांठ था और उसके फेफड़े में फैल गया था। इसलिए कोई पेशेंट्स को जब थायरॉयड का टैबलेट है, थायरॉयड में सूजन है, स्वेलिंग है, और जब ऑपरेशन रिकमेंड किया है, तो आप डेफिनेटली ऑपरेट करवाइए, क्योंकि आगे चल के ये गांठ कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली, यंग एज में हम देखते हैं काफ़ी पेशेंट्स को पैरोटिड स्वेलिंग रहता है, उसे फ्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बोलते हैं। वो बिनाइन लीजन है, बिनाइन यानी जो नहीं फैलता है, बट जब उसे सही टाइम पे हमने ट्रीट नहीं किया, ऑपरेट नहीं किया, तो कैंसर यानी स्प्रेडिंग टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ पेशेंट्स है जैसे जो प्रोफेशनली सिंगर है या स्कूल टीचर है या वॉइस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको जब ऐसा लगा कि उनकी आवाज़ में बदलाव आ गया है, तो इमीडिएटली दूरबीन से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वोकल कॉर्ड कैंसर का अर्ली साइन है। तो ये वोकल कॉर्ड कैंसर भी एज बार नहीं है, कोई भी एज में हो सकता है। हमने 15 साल में भी देखा है और 85 ईयर ओल्ड में भी देखा है। तो मैं बोलना चाहूँ तो ये मेरा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जब लगा कि अरे 10 साल के बच्चे में कैंसर नहीं हो सकता है, तो ये गलत फहमी है। या आपको लगा ये 85 ईयर्स के ऊपर है तो इसका क्या ट्रीटमेंट करा है, जब वो पेशेंट एब्सोल्युटली क्यूरेबल है और आप सही समय पे सही जगह पहुंचते हो, तो कैंसर पूरी तरीके से अच्छा हो सकता है। तो एज इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ बैरियर, और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही ओरल कैंसर होता है ऐसा भी नहीं है, और ओरल कैंसर सिर्फ जो तंबाकू, बीड़ी या दारू का सेवन करते हैं उनको ही होता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 30-40% लोगों को ये आदत ही नहीं रहती है, फिर भी उन्हें होता है। तो जब भी आपके मन में, ये आपके कंसल्टिंग फिजिशियन के मन में डाउट है कि
क्या ये कैंसर तो नहीं है, ओरल कैंसर या थायराइड का कैंसर या सोरपेटी का कैंसर या पैरोटिड का कैंसर, तो डेफिनेटली हेड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए और जांच करवाइए। आपको हेड नेक कैंसर के प्रति कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मेरे टीम को संपर्क कर सकते हो 24/7, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।